क्या आपको बहुत कॉमनली वैक्स से बर्न हो जाता है? यस, दीज डेज हम बहुत सारे पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स स्पेशली, जब आप वैक्सिंग करा के आते हैं आपके अंडर आर्म्स में, थाइस में, कई बार अपर लिप पे वैक्स के कारण बर्न हो जाता है। तो घबराइए नहीं, जब भी वैक्स बर्न हुआ उसके एरिया को तुरंत रनिंग वाटर के अंदर रखिए, या आप आइस क्यूब भी लगा सकते हैं, आइस पैक भी लगा सकते हैं उसको सूदिंग करने के लिए। उसके अलावा एंटीसेप्टिक क्रीम्स लाइक सोफ्रामाइसिन या म्यूपिरोसिन, जो ओवर द काउंटर इजीली मिल सकती है आपको, वो आप लगाइए और उस एरिया को थोड़ा ओक्लूड करके रखिए। आप प्लेन मॉइस्चराइजर्स, वैसलिन्स, नीविया क्रीम्स उस एरिया पे लगा सकते हैं ताकि आपका स्किन ड्राई नहीं हो। लेकिन अगर उसके अंदर से पस ऊज आउट हो रहा है या पानी ऊज आउट हो रहा है या एक अच्छा सा स्कैब बन चुका है, तो दिस इज द टाइम यू नीड टू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। प्रॉबेबली आपको एंटीबायोटिक्स या माइल्ड स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रूटीनली वैक्स बर्न से परेशान हैं, देन इट इज हाई टाइम थिंक ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन, विच कैन हेल्प यू इन अवॉइडिंग गेटिंग रिकरेंट वैक्स डैमेज।